और इस वक्त खबर आ रही है मेरठ से, जहां बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे हैं। मेरठ दिलचस्प है, यहां पर 7 सीटें हैं मेरठ की, और यहां पर सबसे ज्यादा, अपने दर्शकों को बता दें, सबकी नजरें मेरठ शहर सीट और इसके साथ साथ सरधना सीट पर रहेंगी। कैंट इलाके में भी आपको लेकर चलते हैं, स्मार्ट पोलिंग बूथ यहाँ बनाया गया। हमारी संवाददाता राजेश शर्मा की रिपोर्ट आपके सामने। पहले चरण के मतदान के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरठ में भी जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस समय मौजूद हूं मेरठ कैंट विधानसभा सीट पर, और आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूं मेरठ कैंट के एक स्मार्ट मतदाता केंद्र पर, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड में बनाया गया है। यहां पर विशेष तरीके की सुविधाएं की गई है, और यहां पर जो मतदाता है, जो जहां मतदाता आएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। ऐसे 5 जो है केंद्र जो है प्रत्येक विधानसभा में बनाए गए हैं। मेरठ कुल 35 जो है इस तरीके के स्मार्ट मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर व्यवस्था की गई है। जो मतदाता हैं जो यहां पर आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था है। सामने एक स्क्रीन लगाई गई है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपने वोट को जो है डाल सकते हैं, जो ईवीएम है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है उनको गुलाब का फूल भेंट किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं ये जो वोट डालकर जो मतदाता है इन्हीं से जानते हैं। आपका क्या नाम? फिरोजा बेगम। आपने आज यहाँ पर मतदान किया है, क्या इससे पहले भी ऐसी व्यवस्था रही है? नहीं, आज बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, साफ सुथरा और बहुत अच्छा इंतजाम है। तो क्या लगता है कि इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और जो वोटरों में जागरूकता आएगी? हाँ, बहुत बहुत हौसला बढ़ेगा, बहुत जागरूकता आएगी। तो आप देख सकते हैं जो वोटरों का कहना है कि इस तरीके की व्यवस्था से उनका जो है हौसला बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर जो है मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटर जो है यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, साथ ही सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जिस तरीके से इस पूरे बूथ को सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा हो। कुछ और मतदाता है, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की जो व्यवस्था यहाँ पर उनको मिली है, और आज से पहले क्या उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था को देखा था? आपने अपना वोट डाल दिया है? हाँ जी, बिल्कुल डाल दिया है। आज जो व्यवस्था है वो किस तरीके से आप उस व्यवस्था को देख रहे हैं? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, और ऐसी व्यवस्था तक कभी नहीं, बहुत ही बढ़िया। हमारे संवाददाता राजीव ने हमें बताया कि आदर्श मतदान केंद्र, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि क्या होता है, वो उन्होंने दिखाया। गुलाबी पूरी फीलिंग है, वहां पर फूल तक दिए जा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्लीज कम एंड वोट। खासतौर पर फर्स्ट टाइम यूजर सबसे ज्यादा एक्साइटेड। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, अनुराग चड्ढा बुलंदशहर से, गीतिका हमारे साथ हापुड़ से, और इसके अलावा देखिए शिल्पा भी हमारे साथ मेरठ से थोड़ी देर में जुड़ेंगी, बागपत से सर्वेश हमारे साथ है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, देखिए दीपाली भी जुड़ेंगी थोड़ी देर में गाजियाबाद से, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। फॉरन लॉटरी उंगली को दिखाते हो कि उंगली आज दिखाने की चीज ही है, क्योंकि ये आपकी आजादी, ये आपकी ताकत है, आपकी पावर है। मैंने वोट दिया है, आप भी वोट दीजिए, कीमती टाइम निकालिए अपने लिए, क्योंकि आपको अपने 5 साल का ऐसा इंसान के सुनना है जो सुनना है, समझना है, उसे चुनना है जो आपकी जिम्मेदारी निभा सके, आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी।